गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर स्टार्ट द चैप्टर नंबर फोर नॉर्दर्न प्लेन्स राइट एंड वन मोर थिंग यू विल नॉट नीडिड टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर थ्री बिकॉज इट विल नॉट कम्स इन एग्जाम सो चैप्टर थ्री के क्वेश्चन आंसर करने नहीं है बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आएगा वो प्रोजेक्ट रीडिंग के परपज से इम्पॉर्टेंट था द नर्दर्न प्लेन्स नर्दन प्लेन्स देखो कि जो हमारी नॉर्दर्न माउंटेंस है उसके नीचे का एरिया ठीक है ये हमारे नर्दन प्लेन्स हैं और नर्दर्न प्लेन्स हमारे इसलिए फर्टाइल है क्योंकि ये हिमालयन रिवर अपने साथ जितनी भी फर्टाइल सॉइल लेके आती है ठीक है वो कहाँ उसको ड्रॉप करके जाती है नर्दन प्लेन्स में दिस इज़ द रीज़न वाई नर्दर्न प्लेन्स आर सो मच फर्टाइल सो टू द साउथ ऑफ़ To the south of Himalaya lies a huge plains called the northern plains. हिमालयस के साउथ साइड साउथ मीन्स नीचे की तरफ हिमालयस में ये है हमारे नर्दन प्लेन्स और दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल टेंट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट कि ये वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये थी वेस्ट में पंजाब से स्टार्ट होते हैं प्लेन और कहाँ तक लाया करते हैं ये असम तक ठीक है इस तरह से जाते हैं ये नर्दन प्लेन्स द स्टेट ऑफ इसमें कौन कौन सी स्टेट इंक्लूड होती है इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम द नर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लेन्स हैं और सबसे फर्टाइल भी है इट एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर्स आप याद रखना है कितना है इनका लेंथ ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर एंड विर्थ कितनी है टू फोर्टी टू थ्री ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है द नर्दन प्लेन्स लाई इन द फुट हिल ऑफ हिमालया हिमालय के फुट हिल्स में यानी फुट का मतलब होता है नीचे की तरफ पाओं की तरफ सो रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स फ्लो थ्रू दिस पाथ एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन ड्यूरिंग द समर्स कि जब समर्स में हिमालय की आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती तो ये जो रिवर्स है वो फ्लो करती है प्लेन एरिया से द एलुवियम वॉट बाय दीज रिवर्स फॉर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स हैज़ डिपॉजिटेड इन दीज प्लेन्स कि जो मिलियन ऑफ ईयरस है सॉइल एलुवियल सॉयल लेके आ रही है वो यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है प्लेन एरिया में एंड मेड दिस प्लेन वेरी फर्टाइल जिसकी वजह से आज ये प्लेन बहुत फर्टाइल भी है एंड दैट इज़ द रीजन दे आर डेंसली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड भी एलुवियम कंसिस्ट ऑफ सैंड क्ले सिल्ट एंड ग्रेवल इट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मेटल्स इसमें कहते हैं सैंड है सिल्ट है क्ले है और ऑर्गेनिक मेटल्स है रेनी सीजन में जब रिवर गेट फ्लडेड द एलुवियम स्प्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मेकिंग द सॉयल वेरी फर्टाइल जिससे जितना भी एलुवियम है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है शोर्स पे यानी कि उसके बैंक्स पे रिवर के बैंक्स पे डिपॉजिट हो जाता है और सॉइल को फर्टाइल करता है द नर्दन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द थ्री रिवर सिस्टम अब हमारे नर्दन प्लेन में थ्री मेजर रिवर सिस्टम कौन कौन से रिवर सिस्टम है फर्स्ट वन है हमारा इंडस उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बेसन में डिवाइड करती है एरिया को कौन कौन सा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ठीक है पिक्चर से देखो ये हमारा फर्स्ट यह हमारा सेकेंड बेसन कौन सा है थर्ड बेसन ठीक है अब सबसे पहले फर्स्ट बेसिन पे आ जाओ पंजाब बेसिन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ प्लेन्स इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है नर्दर्न प्लेन्स का उसको हम पंजाब बेसिन बोलते हैं दिस बेसिन इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरी ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना है इंडस रिवर जेहलम चैनब रावी और सतलुज मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान और आज इसका मेजर पार्ट जो है इस प्लेन्स का कहाँ पर लाई करता है पाकिस्तान में इंडिया में पंजाब एंड हरियाणा इस स्टेट में आते हैं कौन से पंजाब प्लेन्स में दे आर ड्रेन बाय रिवर सतलुज उनको कौन ड्रेन करता है सतलुज रिवर उनको ड्रेन करती है द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलुज अब भाखड़ा नंगल डैम रिवर सतलुज पे बना हुआ डैम है और लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है ठीक है दिस डैम प्रोवाइड ये डैम वाटर देता है इलेक्ट्र इरीगेशन के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड हेयर वीट इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन इस बेसिन की मेन क्रॉप वीट है एंड अदर मेजर क्रॉप्स आर राइस कॉटन बर्ली मेज मिलेट शुगर ग्रीन एंड ऑयल सीड ठीक है ये हो गए इनके सारे मेन क्रॉप्स नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर द सेकेंड बेसिन दैट इज गंगा बेसिन ये हमें याद होगा फर्स्ट बेसिन इसको कौन सी रिवर ड्रेन करती है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन जेलब चेनब, रावी और सतलुज अब गंगा बेसन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गंगा है तो गंगा रिवर करेगी इट एक्सटैंडेड फ्रॉम घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स कि ये इसमें घग्गर और तिस्ता रिवर्स को भी इंक्लूड करते हैं इट्स स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ नार्दर्न स्टेट इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है हरियाणा डेली यूपी एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट इट इज ड्रेन बाय रिवर कौन कौन सी रिवर ड्रेन करते हैं इसको यमुना गंगा घाघर घंटक कोसी और तिस्ता ठीक है फ्रॉम द हिमालज इन द नॉर्थ ठीक है ये सारे कहाँ से निकलते हैं हिमालयन रिवर्स है द रीवर गंगा ओरिजिनेटेड फ्राम द गंगोत्री ग्लेशियर द रीवर भागीरथी मंदाकिनी एंड अलकनंदा जॉइन द गंगा कि यहाँ पर जो रीवर है भागीरथी रिवर मंदाकिनी रिवर एंड अलकनंदा ये जॉइन हो जाती है किससे गंगा से जॉइन हो जाती है वाइल इट फ्लो डाउन द माउंटेन और माउंटेन से नीचे आते हुए गंगा से यह तीनों ही रिवर्स जॉइन हो जाती है इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है इट इज कंसिडर्ड एट द स्का विजिट हरिद्वार टू टेक अ डेप इन द होली रिवर गंगा हमें पता है कि सबसे हमारी इम्पोर्टेंट रिवर है क्योंकि हम इसको क्या बांधते हैं इसको हम होली रिवर मानते हैं और लैक्स ऑफ प्रग में हर साल बहुत से लोग कहाँ जाते हैं बेटा हरिद्वार जाते हैं गंगा रिवर में डिप करने के लिए द रिवर गंगा मीट्स रिवर यमुना अब गंगा और यमुना दोनों कहाँ पे जाके मिलती है अलाहाबाद में द प्लेस वेयर बोथ द रिवर मीट इज़ कॉल्ड संगम और अलाहाबाद में जहाँ पे भी ये दोनों रिवर मिलती है उसको संगम बोलते हैं राइट द फेमस कुंभ मेला द फेमस कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट अलाहाबाद वंस इन एवरी ट्वेल्व ईयर्स की जो कुंभ मेला है फेमस वो कहाँ लगता है अलाहाबाद में और कब लगता है हर ट्वेल्व ईयर्स में ठीक है हर बारह साल में ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द गंगा स्प्लिट इंटू टू मेन ब्रांचेज वेस्ट बंगाल में पहुँचते ही गंगा दो मेन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है एक हुगली और एक पदमा हुगली रिवर जो है वो सिटी ऑफ कोलकाता से फ़्लो करती है जो पदमा रिवर है वो फ्लो करते करते बांग्लादेश चली जाती है और वहाँ पर वो जमुना रिवर से ज्वाइन हो जाती है द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा और जमुना कौन सी है ये ब्रह्मपुत्रा ये ब्रह्मपुत्रा की ब्रांच है जमुना जिससे कौन सी रिवर ज्वाइन होगी पदमा रिवर ठीक है और पदमा रिवर कौन सी थी गंगा के दो पार्ट्स हो गए ठीक है वेस्ट बंगाल में जाके गंगा दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई एक रिवर हुगली जो कलकत्ता से फ्लो करती है एक पद्मा जो कि एंटर कर देती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में एंटर करके पद्मा जो है किससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से ओके और इसका नाम फिर जमुना हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन देयर लोअर कोर्स दीज रिवर स्प्लिट इन टू नंबर ऑफ चैनल कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज कि यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है लोअर कोर्सेज में यानी मिट्टी डिपॉजिट जाती है तो इसीलिए ये रिवर बहुत सारे चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या डेफिनेशन हुई वैन द रिवर इज स्प्लिट इन टू अ नंबर ऑफ चैनल्स ठीक है एक रिवर जो बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी वैन टू और मोर रिवर्स ज्वाइन टू फॉर्म अ कंबाइंड रिवर कि जब दो या दो से छ ज्यादा नदियाँ मिलकर एक रिवर में ज्वाइन कर लेते हैं वो ट्रिब्यूटरी और जब डिवाइड हो जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरी बिकॉज द रिवर स्लोज डाउन इन द लास्ट कोर्स इट स्टार्ट डिपोजिटिंग द सेडिमेंट इट हैज़ बिन कैरिंग कि जैसे ही जब लास्ट कोर्स में रिवर स्लो होती जाती है तो उसके साथ जितने भी सेडिमेंट है वो उसको डिपॉजिट या छोड़ना स्टार्ट कर देती है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आईलैंड ऑफ सैंड जिसकी वजह से पानी में क्या बन जाते हैं स्मॉल आईलैंड बन जाते हैं सैंड के दीज ट्रेंगुलर पीसेज ऑफ लैंड आर कॉल्ड द डेल्टा और ये जो ट्रेंगुलर पीसेज बनते हैं इनको क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं दीज आईलैंड डिवाइड द रिवर इन टू मैनी स्ट्रीम्स कहते हैं ये जो आईलैंड है वो रिवर को कई सारे स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज ठीक है अब द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन एंड सुंदरबन की जो गंगा नीचे डाउन साइड में पिक्चर देखो कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने डेल्टा बनाया है ठीक है ये पूरा जो है आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये डेल्टा है पीछे देखो ये डेल्टा फॉर्म पार्ट किया है फॉर्म किया है ठीक है किसने गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने है एंड दिस सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ठीक है द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल गंगा की सॉइल बहुत रिच है और बहुत फर्टाइल है दिस रीजन ऑल्सो गेट्स अ लॉस्ट ऑफ रेनफॉल इस रीजन में बहुत सारा रेनफॉल होता है पीपल ऑफ दिस रीजन आर मेनली एंगेज इन एग्रीकल्चर यहाँ के लोग कौन सा काम करते हैं एग्रीकल्चर सिंस द गंगा बेसिन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्योंकि गंगा बेसिन बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस करता है राइस व्हीट शुगर केन जूट सो इट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया ठीक है गंगा बेसिन को इसीलिए क्या बोलते हैं फूड बाउल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाई गंगा बेसिन इज कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया सो इट इज़ कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज इट प्रोड्यूसिस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स राइट द गंगा बेसिन इसको कोई थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे बहुत सी पॉपुलेशन रहती है ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स आर ऑल्सो प्रॉस्प्रेस एयर बहुत अच्छी तरह चलता है यहाँ पे इंडस्ट्री भी ट्रेड भी और कॉमर्स भी एंड मेनी ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ ऋषिकेश है हरिद्वार है डेली आगरा कानपुर अलाहाबाद अयोध्या पटना वाराणसी कोलकाता आर लोकेटेड ऑल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा यमुना एंड इट्स ट्रिप्यूटरी ये सारे सिटी जो है वो कहाँ लाया करते हैं गंगा यमुना या इसकी ट्रिब्यूटरी के साइड, ठीक है थैंक यू